हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, ह्यूमंस और अन्य एनिमल्स का सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन्स का वह सिस्टम होता है जो शरीर के भीतर डिफरेंट मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स होते हैं। हार्ट ब्लड को बाहर की तरफ धक्का देने वाले पंप के रूप में काम करता है। ब्लड वेसल्स यानी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज ट्यूब की तरह काम करती है जिनसे होकर ब्लड फ्लो होता है। ह्यूमंस और अन्य वर्टिब्रेट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप होते हैं, अर्थात इनमें ब्लड कभी भी आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के नेटवर्क से बाहर नहीं जाता है। वहीं इनवर्टिब्रेट्स के सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं। बहुत से प्रिमिटिव एनिमल्स में तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता ही नहीं है, बट सभी एनिमल्स का लिम्फेटिक सिस्टम एक ओपन सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन पूरे बॉडी के प्रत्येक भाग में ब्लड को पहुंचाना है, जिससे उसे न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन प्राप्त हो सके। दोस्तों, आइए अब हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट को डिटेल में जानते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिनमें हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल शामिल है। दोस्तों, ब्लड के ऊपर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। ब्लड कंपोनेंट को समझने के लिए आप उन वीडियो को देख सकते हैं। उन वीडियो के लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो में मैं आपको हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट ट्रायंगुलर शेप का हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कार्डियक टिश्यू का बना होता है। यह एक कवर द्वारा घिरा हुआ होता है जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो हार्ट को एक्सटर्नल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। हार्ट पंप की भांति कार्य करता है। यह अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रखने तथा सेल्स को नियमित रूप से बैलेंस डाइट पहुंचाने का कार्य कंटिन्यूअस रूप से करता है। यदि हार्ट अपना फंक्शन बंद कर दे तो बॉडी में डिफरेंट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लैक्टिक एसिड, यूरिया, फॉस्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थों की मात्रा बढ़ने लगेगी, जिससे सेल्स की डेथ हो जाएगी। दोस्तों, हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। एक एडल्ट ह्यूमन का हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है, जबकि एक न्यू बॉर्न बेबी का हार्ट 120 से 160 बार धड़कता है। एक हार्ट बीट में हार्ट लगभग 70 ml ब्लड को पंप करता है। दोस्तों, हमारा हार्ट 75% चेस्ट की बाईं ओर और बाकी दाईं ओर स्थित होता है। चूंकि यह एक मस्कुलर पंप है, इसमें 4 चैम्बर और कुछ वेल्व शामिल हैं, जो हार्ट से पूरे शरीर तक और फिर वापस हार्ट तक ब्लड पंप करने का फंक्शन करते हैं। हार्ट में ऊपर के दोनों चैम्बर्स को आर्ट्रिया या ऑरिकल्स के रूप में जाना जाता है, जबकि नीचे के दोनों हिस्से को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। इस प्रकार हार्ट के दाहिने हिस्से में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स होते हैं और बाएं हिस्से में लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल शामिल होते हैं। एक मस्कुलर वॉल जो दोनों साइड को अलग करती है उसे सेप्टम कहा जाता है। एट्रिया और वेंट्रिकल एक साथ काम करते हैं, जो हार्ट से ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में भेजते हैं, फिर ब्लड वापस लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हार्ट में ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होते हैं जिन्हें आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व या एवी वेल्व कहते हैं, जो ब्लड को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने से रोकते हैं। इन्हीं वेल्व के बंद होने से हार्ट में लबडब की आवाज आती है, जिसे हार्ट साउंड कहा जाता है। दोस्तों, हार्ट बीट का कंट्रोल पेस मेकर करता है जो राइट एट्रियम में होता है। इसे हार्ट ऑफ हार्ट भी कहा जाता है। साइनो एट्रियल नोड या ऐसे नोड को नेचुरल पेसमेकर कहा जाता है और एवी नोड यानी आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड को रिजर्व पेसमेकर कहा जाता है। दोस्तों, आइए ब्लड सर्कुलेटरी के दूसरे कंपोनेंट ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन वेसल्स के द्वारा होता है जिन्हें ब्लड वेसल्स कहते हैं। ह्यूमन बॉडी में 3 टाइप्स के ब्लड वेसल्स होती हैं जिन्हें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज कहते हैं। प्योर यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से शरीर के अन्य अंगों तक ले जाने वाले वेसल्स को आर्टरीज कहते हैं। इनमें ब्लड फ्लो तेज व हाई प्रेशर पर होता है। इसका मुख्य कारण आर्टरीज का लचीला यानी फ्लेक्सिबल होना है और उसके वाल का मोटा होना है। आर्टरीज हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है। मुख्य आर्टरीज को एओर्टा कहते हैं। यह वेल्व के माध्यम से हार्ट के बाएं ऑरिकल से जुड़ी होती है। इसका मेन फंक्शन लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेना और लंग्स को छोड़कर शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना है। वेन्स ऑर्गन से ब्लड को वापस हार्ट में लाती है। वेन्स की दीवार फाइन और पैल्पेबल होती है। वेन्स में इंप्योर ब्लड का फ्लो होता है। वेन्स की वॉल में मस्कुलर लेयर बहुत पतला होता है और इसकी कैविटी काफी चौड़ी होती है तथा इसमें थोड़ी थोड़ी दूर पर वेल्व लगे होते हैं। दोस्तों, कैपिलरीज वेन्स और आर्टरीज को आपस में जोड़ती है। टिश्यूज में पहुंचकर आर्टरीज एक फाइन नेटवर्क बनाती है जिसे कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज की वॉल केवल एंडोथेलियम की एक लेयर की बनी होती है। कैपिलरीज में ब्लड फ्लो की स्पीड बहुत स्लो होती है। दोस्तों, आइए अब हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन के प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले लंग से पल्मोनरी वेन के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के लेफ्ट आर्ट्रियम में लाया जाता है। जब लेफ्ट आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाइकास्पिड वेल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधे मेन आर्टरी यानी एओर्टा तक चला जाता है, जहां से इस ब्लड को पूरे शरीर के ऑर्गन तक पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार शरीर की सेल्स को आर्टरी से ऑक्सीजन मिलता है और फिर सेल्स द्वारा ऑक्सीजन लेने के बाद ब्लड डीऑक्सीनेटेड हो जाता है। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड लार्जेस्ट वेन यानी सुपीरियर और इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट के राइट एट्रियम में चला आता है। दोस्तों जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यह डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल्स में आता है और राइट वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के बाद यह डीऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू सीधे लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है। लंग्स में यह डीऑक्सीनेटेड ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर ऑक्सीजन को रिसीव करता है और एक बार फिर से यह ब्लड ऑक्सीनेटेड होकर हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में एंटर करता है। दोस्तों अब हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम वह होता है जिसमें शरीर के एक कंप्लीट साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार होकर के गुजरता है और इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ह्यूमन के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का हार्ट से लंग्स और फिर हार्ट में वापस आने के पाथ को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं और ब्लड के हार्ट से शरीर के बाकी अंगों और फिर हार्ट में वापस आने के पाथ को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं और ये दोनों मिलकर डबल सर्कुलेशन का निर्माण करती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई नॉलेज आपको समझ आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेश्चन या क्वेरीज हो तो आप प्लीज कमेंट करें और ऐसे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।